नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। जिला प्रशासन की टीम स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग देने पहुंची। जी हां, इंडिया में भूकंप के झटके आए दिन देखने को मिलते हैं। इसी के लिए महाराष्ट्र के पालघर जिला प्रशासन ने यहाँ के लोगों को भूकंप से बचने के लिए ट्रेनिंग दी है। इस ट्रेनिंग के तहत खतरे से निपटने के लिए चौंकाने वाले तरीके भी सिखाए गए। ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को आग की लपटों से सुरक्षित निकालना सिखाया गया। आपको बता दें कि पालघर के तलासरी और दहाड़ू इलाके में भूकंप के झटके ज्यादा आते हैं और ये इलाका आदिवासी बहुल माना जाता है। इसी इलाके के एक स्कूल में जिला प्रशासन की टीम स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग देने पहुंची। इस स्कूल में जमीन पर न्यूज़पेपर बिछाया गया, पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई और स्कूली बच्चों को आग की लपटों के बीच से निकाला गया। पहले तो आग देखकर बच्चे चिल्लाने लगे, लेकिन एक्सपर्ट्स की निगरानी में इन बच्चों को आग की लपटों के बीच बिना डरे निकलना सिखाया गया। अपने साथी दोस्तों को आग से निकलते देख दूसरे बच्चों में भी आत्मविश्वास आया और वो भी आग की लपटों से निकलने लगे। जानकारी के मुताबिक 600 से ज्यादा बच्चों को अलग अलग सरकारी स्कूलों में ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने वाले अधिकारियों का कहना है कि भूकंप के बाद कई बार आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, ऐसे में आग के बीच से भी सुरक्षित निकला जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग देने के दौरान एक्सपर्ट मौजूद थे जो किसी भी हालत से निपटने सकने के सक्षम थे। बच्चों को भूकंप में घायल हुए लोगों को कैसे बगैर स्ट्रेचर के ले जाया जाए, कैसे लोगों को बचाया जाए, इसकी ट्रेनिंग भी दी गई। आइए जानते हैं पालघर जिले में कब कितनी तीव्रता का भूकंप आया। सबसे पहले 11 नवंबर को 3.2 तीव्रता के झटके महसूस हुए। 24 नवंबर की दोपहर 3.3 तीव्रता के झटके महसूस हुए। 2 दिसंबर दोपहर 3 बार 3.1 की तीव्रता के झटके महसूस हुए। 4 दिसंबर की रात 3.2 तीव्रता के झटके महसूस हुए। 5 दिसंबर की सुबह 2.1 तीव्रता के झटके महसूस हुए। 6 दिसंबर सुबह 2.8 तीव्रता के झटके महसूस हुए। 8 दिसंबर सुबह 2.9 तीव्रता के झटके। 10 दिसंबर सुबह 3 बार 2.9 तीव्रता के झटके महसूस हुए। 1 फरवरी सुबह 3.3 तीव्रता के झटके महसूस हुए। 1 फरवरी सुबह 3.5 तीव्रता के झटके। उसके बाद फिर से 1 फरवरी की सुबह 3.0 तीव्रता और 3.0 के झटके महसूस हुए। 1 फरवरी को फिर से 3.5 बजे तीव्रता के झटके महसूस हुए। 1 फरवरी दोपहर 3.6 तीव्रता के झटके महसूस हुए। 1 फरवरी 3.5, 13 फरवरी 2 बार 3.1 और 3 के झटके देखने को मिले। इसके बाद 20 फरवरी, 1 मार्च और 1 मार्च की सुबह 4.3 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। पालघर जिले में लगातार हर महीने में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस जिले में आए दिन भूकंप क्यों आते हैं, इस बात का पता तो अभी तक नहीं चल पाया। भूगर्भ वैज्ञानिक इसकी जांच में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक इन झटकों के जान मान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस जिले के लोगों में भूकंप की दहशत बनी हुई है। अब जिला प्रशासन लोगों में सावधानी के लिए जागरूकता अभियान और ट्रेनिंग देने में जुट गया है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।